प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत साहित्य में हम जो हमारा टॉपिक है कारक प्रकरण, उसको देख रहे हैं। और कल हमने संप्रदान कारक को पिछले वीडियो तक कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक में कोई वस्तु जब किसी वस्तु से दूर होती है, स्थिर कोई वस्तु हो, जैसे एक वृक्ष है, और वृक्ष से, क्योंकि यह अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन इससे जब पत्ता अलग होता है या इसका कोई फल अलग होता है, यानी जो चीज इससे अलग हो रही है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो जो अलग होने के अर्थ में जिससे अलग होना पाया जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो अपादान, अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी भक्ति होती है। तो इसका पहला सूत्र देखेंगे बेटा हम, जो मैं बोल रहा हूँ वही इसका पहला सूत्र है। ध्रुवम अपाए अपादान, ध्रुवम अपाए अपादान, पहला सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादान। वही बात है, ध्रुवम जो शब्द है, ध्रुवम जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्थिर होना, स्थिर अर्थात किसी विस्थित वस्तु जो स्थिर है उसे अपाय, अपाय जो शब्द है अपाय ऐसे चला गया है, अपाय यानी अलग होना, अलग या पृथक होना, पृथक होना। स्थिर वस्तु से जब कोई वस्तु पृथक होती है, दूर होती है, अलग होती है, तो जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इसमें अर्थात करके बेटा लिखेंगे, देखिए लिखिए, अर्थात ध्रुवम, ध्रुवम सब लिखेंगे, जब अलग से लिखेंगे तो हलंत आ जाएगा इसके नीचे। ध्रुवम कोष्टक में लिखेंगे स्थिर वस्तु से, स्थिर वस्तु से अपाय, अपाय, अपाय ब्रैकेट में लिखेंगे, ये अलग या पृथक, अलग या पृथक। वस्तु से अपाय कोई हो तो, यानी पृथक हो तो, उसके अर्थ में जिससे पृथक होना पाया जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, जैसे वृक्षात् पत्रं पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात् में पंचमी, क्योंकि पत्ते उससे अलग हो गए, ध्रुवम उपाय अपादान, ठीक है। तो स्थिर वस्तु से, क्योंकि वृक्ष अपनी जगह स्थिर है इसलिए पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में जिससे अलग होना पाया जाए उसकी पंचमी भक्ति। और इससे लगता ही अगला सूत्र है, यानी इसी के साथ योग होता है वो, अपादाने पंचमी। दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। लिखेंगे जब कोई वस्तु अलग हो तो, इसके साथ लिखेंगे जब कोई वस्तु अलग हो तो, उस अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे ग्रहात् बालकः गच्छति, घर से बालक जाता है, जा रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन बालक जो है जाने की क्रिया कर रहा है, लेकिन किससे अलग हो रहा है, घर से। अपादाने पंचमी, ध्रुवम अपाये अपादान सूत्र, ठीक है। फिर एक और वाक्य लिखेंगे, सेवक अश्वात् पतति, सेवक घोड़े से गिरता है। तो बेटा यहां पर सेवक जो है किससे अलग हो रहा है, घोड़े से गिरेगा तो उससे अलग हो जाएगा, तो अलग होने के अर्थ में ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने
पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। ये दो सूत्र थे प्रारंभिक। तीसरा सूत्र हम देखेंगे, तीसरा जो हमारा सूत्र है भित्रा अर्थानाम भय हेतु। दो धातु होती है बेटा, एक है भी और एक है त्रा। भी का अर्थ होता है भय, डरना, और दूसरी है त्रा, रक्षा करना। भय और रक्षा करने अर्थ की धातु में भय का जो कारण है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। बस इस सूत्र में इतना ही समझना है। तो इसमें लिखेंगे अर्थात भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखेंगे, एक इसके लिए हम लोग जनय चोरात विभेति कि लोग या व्यक्ति चोर से डरता है। भी धातु आई है, चोर से डरता है। तो डरने का जो कारण है वो क्या है बेटा? चोर है। डरने का कारण क्या है? चोर। तो इसलिए चोरात में पंचमी, और हर जगह हम लोग दोनों अपाय अपादान नहीं कर सकते, हर सूत्र का अपना महत्व है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा भी धातु है तो भी धातु के लिए पंचमी आई है, और पंचमी भी धातु का जो पंचमी का रूप है तो इसमें भी धातु के लिए सूत्र कौन सा है? तो पूरा सूत्र भी त्रा अर्थानाम भय हेतु। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखेंगे, बालक है सिंघात विभेति, बालक शेर से डरता है। तो डरने का कारण सिंह हो गया, शेर हो गया, तो उसमें भी पंचमी विभक्ति भीतरा अर्थानाम भय हेतु। ठीक है, नृपय दुष्टात त्रायते, राजा दुष्ट से रक्षा करता है, तो रक्षा करने का भी यहाँ कारण क्या है? दुष्ट से, जिससे रक्षा की जा रही है या जिससे भय है, उसमें पंचमी विभक्ति भीतरा अर्थानाम भय हेतु सूत्र से। ठीक है बेटा, अगला सूत्र जो हम देखेंगे चौथा सूत्र, और चौथे सूत्र में जो है वर्णार्थानाम इच्छित है। वर्णार्थानाम इच्छित है। इसमें ज्यादा सूत्र थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इसमें धातु है वारी, और वारी का अर्थ होता है वरण करना। इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए उदाहरण इसके अर्थात में लिखे, अर्थात वारी वरण करना या हटाना, वारी ब्रैकेट में लिखेंगे वरण करना या हटाना, अर्थ की धातु के योग में जिससे हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। लिख लिया होगा शायद कि जिससे भी वारी अन्न हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखेंगे, कृष्क यविभ्य, कृष्क है यविभ्य गाम वारयति, किसान अन्न से गाय को हटाता,
दूर करता है या हटाता है। किसान अन्य से गाय को हटाता है, तो जिससे हटाया जा रहा है, वारी यानी वरण किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो यज्ञ में पंचमी का बहुवचन आया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा उदाहरण आपको भ्रमित कर सकता है, क्योंकि ये यव जो शब्द है चतुर्थी के बहुवचन में भी सेम इसी तरह से बनेगा, पंचमी में भी सेम एक जैसा ही होता है बहुवचन में। तो यहाँ आपको अगर इस तरह का उदाहरण आता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यज्ञ को आप समझ जाएंगे देख करके, क्या तो इसमें चतुर्थी हो सकती है क्या पंचमी हो सकती है। लेकिन हमें तो पूरा उत्तर देना है, सही उत्तर देना है, सूत्र लिखना है, फिर हम आगे वाक्य में नजर देखेंगे, दौड़ाएंगे तो हमें फिर नजर आएगी धातु। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का कोई ना कोई कारण, किसी भी विभक्ति का कोई ना कोई कारण वाक्य में उपलब्ध होता है। यहाँ बारी धातु जो है ये पंचमी विभक्ति का कारण है, और पंचमी विभक्ति के कारण यहाँ पर वारी धातु के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं वर्णार्थम नाम इप्सित है, ठीक है। अंतिम उदाहरण एक और देखेंगे, अध्यापक है, अध्यापक है दुर्जनेभ्य, दुर्जनेभ्य छात्रां वारयति, अध्यापक दुर्जनों से छात्रों को हटाता है। तो यहाँ पर दुर्जनेभ्य भी वही बात है, पंचमी विभक्ति है, कारण है वारी धातु और सूत्र है वर्णार्थानाम इप्सित है। अपादान कारक के चार सूत्र आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं, इनको आपको होमवर्क में भी करना है, नोट्स बना करके तैयार करना है। धन्यवाद।